साल 1997 में मुकुल एस आनंद ने संजय दत्त और सलमान खान को एक मूवी में लेकर शूटिंग करनी शुरू कर दी थी। वहीं उनके साथ फिल्म में रवीना टंडन को भी साइन किया गया था और मूवी का नाम रखा गया था 10। लेकिन अचानक ही एक दिन डायरेक्टर मुकुल एस आनंद की हार्ट अटैक से मौत हो गई और इस मूवी का डब्बा बंद हो गया था। लेकिन साल 2005 में इसे टाइटल से अनुभव सिन्हा ने एक मूवी बनाई 10। उस मूवी में संजय दत्त तो थे लेकिन सलमान खान नहीं। लेकिन अब खबरों के मुताबिक सलमान खान और संजय दत्त स्टार और ये फिल्म यानी कि 10 एक बार फिर से बन रही है। लेकिन इस बार नए सिरे से इस फिल्म को बनाया जाएगा जिसके लिए दर्शक काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। तो इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको सलमान खान और संजय दत्त की इसी अपकमिंग फिल्म से जुड़ी सभी जानकारियां देने वाले हैं कि इस फिल्म में इन दोनों के साथ कौन कौन से स्टार कास्ट नजर आएगी, फिल्म की कहानी क्या होगी और फिल्म कब तक आ जाएगी। तो बस हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथ ही आप सलमान खान और संजय दत्त की इस प्यारी सी जोड़ी के लिए एक वीडियो पर लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान और इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर यानी कि संजय दत्त ने साथ में बहुत सी फिल्मों में काम तो किया है और उन फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर भी खूब धमाल मचाया है। लेकिन इन दोनों को लेकर बन रही फिल्म 10 कभी भी रिलीज नहीं हो पाई थी क्योंकि शूटिंग के बीच अचानक ही निर्देशक की डेथ हो जाने के कारण इस फिल्म की सभी पूरी नहीं हो पाई और इसका डिब्बा बंद हो गई। लेकिन अब खबरें हैं कि सलमान खान और संजय दत्त मिलकर अपने इस बिना रिलीज हुई फिल्म को दोबारा से लेकर आ रहे हैं। बताया जा रहा है दोस्तों कि वो नए सिरे से इस फिल्म की शूटिंग को शुरू करेंगे और इसका सारा जिम्मा उन्होंने जाने माने निर्देशक राम गोपाल वर्मा को सौंपा है। लेकिन फिल्म की कहानी वही रहेगी जो कि मुकुल आनंद ने डिसाइड की थी, वो भी इसी तरह से इस फिल्म की कहानी आतंकवाद के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। इस फिल्म में कैप्टन राजा सेठी एक गुप्त संगठन का हिस्सा हैं जिसे फोर्स 10 नाम के लिए जाना जाता है। उसे नशीमन नाम के एक अफगान आतंकवादी को खोजने के लिए मिशन पर भेजा गया है और उसके साथ कैप्टन जीत शर्मा भी जाते हैं। फिर किस तरीके से वो उस आतंकवादी को पकड़ेंगे कहानी इसी पर आधारित होगी जिसे एक नए तरीके से शूट किया जाएगा। वहीं बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो जैसा कि पहले संजय दत्त, सलमान खान और रवीना टंडन को इस फिल्म के लिए मुख्य किरदारों के लिए चुना गया था, वहीं इस फिल्म में अपने अपने मुख्य किरदारों को निभाते हुए नजर आएंगे संजय दत्त राजा सेठी के किरदार में, वहीं रवीना टंडन नशीमन आतंकवादी के किरदार में और सलमान खान जीत शर्मा के किरदार में नजर आएंगे। वहीं बहुत से नए कलाकारों को भी इस फिल्म को दमदार और जानदार बनाने के लिए कास्ट किया जाना बाकी है। वहीं बात की जाए फिल्म की रिलीजिंग डेट की तो अभी तक फिल्म ने काम करने के लिए चुनी गई स्टार कास्ट में से किसी ने भी इस फिल्म को लेकर काम करने के लिए अपनी डेट्स नहीं दी हैं जिसके चलते अभी तक फिल्म की शूटिंग भी शुरू नहीं की गई है और उससे फिल्म के मेकिंग प्रोसेस में देरी हो रही है। तो अभी तक इस फिल्म की कोई भी रिलीजिंग डेट सामने नहीं आई है। लेकिन ये देखना ना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा दोस्तों कि ये फिल्म जब भी बॉक्स ऑफिस पर आएगी तो कैसा प्रदर्शन करती है। वेल दोस्तों आपको क्या लगता है कि 10 फिल्म अगर अब रिलीज होती है तो वो क्या बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाएगी या फिर वो रह जाएगी फ्लॉप? हमें आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं और साथ ही साथ ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को जानने और उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।